हो गया कांड। ये देखो पहिए के नीचे इतना बड़ा पत्थर आया, फिसला, जाके वहां पर टक्कर लगा, टूट गया। बोलिए लद्दाख, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। निकलना है मनाली की ओर। कल अगर बारिश ना होता तो आज चंडीगढ़ में होता, लेकिन ठीक है, अम्बाला से चंडीगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, कवर कर ही लूंगा, लेकिन मनाली आज पहुंच के ही छोड़ूंगा। इसी होटल पे रुका था अम्बाला में, होटल वन प्लस। लास्ट रात जैसे हालत में मैं यहाँ पर पहुंचा, ये दिखाने के हालत में नहीं था। हॉरिबल नाइट। दिस इज इट, सब सामान लोड कर लिया हूँ। एक चेंज है, बैग के अंदर से जैकेट बाहर निकाल लिया, अगर मनाली में ठंड लगे फिर बैग खोल के अंदर से इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो यही ग्लव्स है, दूसरा नहीं निकाला, ठंड लगेगा तो आगे डिसाइड करूंगा। इससे एक और एडवांटेज है, जब मैं बैठता हूँ ना, इतना ऊंचा होने से एक बैक सपोर्ट मिलता है, बहुत बढ़िया आराम मिलता है। कभी कभी ऐसे पीछे होके रेस्ट ले सकता हूँ। तो चले, पहले तो पेट्रोल रिफिल करवाना होगा। यहाँ से चंडीगढ़ है करीब 45 किलोमीटर। आज ही से सफर में अलग नजारे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भगवान से इतना दुआ कर रहा हूँ कि वेदर सही रहे। राइट में चला गया है चंडीगढ़ प्रॉपर सिटी, सीधा अभी जा रहा हूँ भरतगढ़ की तरफ। पंजाब के अंदर घुस गया हूँ और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का जॉइंट कैपिटल है। भरतगढ़ क्रॉस करते ही हिमाचल में एंट्री हो जाएगा। तमिलनाडु ले लद्दाख भाई, वॉक एंड लिफ्ट, हिचहाइकिंग, वेल डन बॉस। कैसे पकड़ के बैठा है, बच्चे से ज्यादा कीमती बैग है, क्या समझाऊं इनको। बैग गोद में लेके बैठा है लेकिन बच्चा साइड में लटक रहा है। मनाली 290 किलोमीटर, आखिरकार बोर्ड में मनाली का नाम आ ही गया है। घर से 4 नेशनल फ्लैग कैरी किया था, 3-4 दिन में गंदा हो जाए तो उसको चेंज कर लूं। किस्मत इतना खराब है, हर एक दिन में विद इन 10 मिनट्स गाड़ी चलाने से जो हवा चल रहा है, स्टिचिंग इतना वीक है, वहाँ से फट जा रहा है। मनाली में जाके कोई दुकान से अच्छा क्वालिटी का फ्लैग ढूंढना है, पैसा पूरा लिया लेकिन धोखेबाज निकला। देश का झंडा लेके भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर ले, सब अपना ईमान बेच चुका है। पहाड़ों का पहला झलक, महीनों का सपना था, स्कूटर से करूंगा लद्दाख। यही से ऐसा लग रहा है जब मैं ऊपर चढ़ूंगा तब कैसा लगेगा। बस और कुछ ही किलोमीटर आगे जाना है, पंजाब का बाउंड्री खत्म, घुस जाएंगे हिमाचल। आज बहुत सारा काम है, कोलकाता से मनाली कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर किलोमीटर होगा। मनाली पहुँच के सबसे पहले मुझे गाड़ी का इंजन ऑयल और गियरबॉक्स ऑयल रिप्लेस करवाना होगा। सामने क्या लिखा है, मेला फिर लगेगा गुज्जर मेला लगाएंगे वो लोग, याद है मेला मूवी, चेहरा पहचान रहे हो। ठंड लगना स्टार्ट हो गया अभी से, अब पता नहीं एक्चुअली ठंड है या मैं गाड़ी इतना जोर से चला रहा हूँ इस वजह से। कल रात बारिश होने के बाद से वेदर पूरा चेंज हो गया है। हिमाचल में एंट्री होने ही वाला है। दूसरा वाला जो मोबाइल है इसमें कोई सिम नहीं है, मैं जो फोन यूज करता हूँ वो मेरे पॉकेट में है और उससे हॉटस्पॉट से ये कनेक्टेड है, मैप जो है उसी से लोड हो रहा है। ये वाला मोबाइल मैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए रखा हूँ। लास्ट 2-3 पार्ट आप लोग कैसे रास्ते देखे थे और अभी सब कुछ एक ट्रांजिशन फेज में चला आया है। अचानक पहाड़ पहुंच जाऊंगा फिर घर वापस आने का मन नहीं करेगा। और बाबू पहुंचा है, बोलिए लद्दाख। जय बंगाल, जय बंगाल। कौन सी गाड़ी है ये? एरोक्स, एरोक्स। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हो? आप तो लोकल ही है, हिमाचल में घुसे नहीं ना? हिमाचल यहाँ से ओनली 10 किलोमीटर। क्या रास्ता है भाई, अभी से शुरू हो गया। दोस्तों वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, और पहाड़ पे चढ़ना शुरू।
अभी राइड करने का टेक्निक में थोड़ा सा चेंज लाना ही पड़ेगा। हाईवे में चला के पहाड़ी रास्ता में अचानक एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ इधर, क्यों रोके हो भाई? टोल टैक्स, बाइक वालों का भी टोल लगता है क्या? हिमाचल एंट्री, बिलासपुर 52, मंडी 117 किलोमीटर। ये सामने जो टनल है मंडी जाने का रास्ता ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कम कर देता है। अभी भी टेस्ट फेज में है, उस तरफ से गाड़ी आ रहा था, इस तरफ का गाड़ी छोड़ा नहीं। पहाड़ों में चलाने का दिक्कत शुरू, लाइन कर्व में सामने से कौन सा गाड़ी आ रहा है पता नहीं चलता है। अचानक ओवरटेक कभी मत कीजिएगा। ये देखिए पलक झपकते ही आप है से थे हो जाएंगे। ये बिलासपुर की तरफ ही है, मनाली इस तरफ है ना? नया रास्ता बना है पर बंद है, टनल बंद की हुई है। यहाँ से जाओगे जो टनल बना है वो लैंडस्लाइड से बंद हो गया है। ये वाला रास्ता जाने से सफर बढ़ जाएगा कितना किलोमीटर। फिर से मैं नीचे जा रहा हूँ, बिलासपुर होके जाएगा। ये ओल्ड मनाली वाला रूट है, पास में गोविंद सागर लेक है जो कि मैन मेड लेक है। काफी सारा वाटर स्पोर्ट्स होता है, एक बार जाके आप ट्राई कर सकते हो। कल्लर होके जो बिलासपुर की तरफ गया है रास्ता, मनाली जाने का पुराना रोड, कंडीशन सही नहीं है। बाएं ओर जो नदी आप देख रहे हो ये है सतलुज, अजीब सा है ना। मनाली 190, बिलासपुर 16 किलोमीटर। सामने वाला रास्ता चला गया है बिलासपुर और ये गया है मनाली, फिर भी जाने क्यों नहीं दे रहा है भाई? क्या हो गया? अरे वो तो चला गया। हाँ आ जाएगा वापस। क्या बंद है? बंद है। फिर कहाँ से जाना है? सीधा जाना अपने मनाली। अरे यार ये तो सब बंद करके रखा है। मनाली अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सामान का बैग जैसे ही सामने झटका लगता है कोई गड्ढे में, पूरा हिल के सामने चला जाता है। भैया दो पानी बोतल दीजिएगा। कितने का है? 40। 162 किलोमीटर और पहले रुकना है मंडी में, लंच कर लूंगा, उसके बाद आएगा कुल्लू, 40 किलोमीटर दूर मनाली। शाम से पहले तो पहुंच ही जाऊंगा, बहुत धीरे जा रहा हूँ। अब किस तरफ, सीधा या लेफ्ट? रोड टू शिमला, ब्रिज क्रॉस करके मनाली कुल्लू मंडी। श्रीनगर करगिल होके लद्दाख जाना ज्यादा आसान है, रास्ता लंबा है लेकिन ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मनाली ले हाईवे पकड़ के अगर आप जाते हो लद्दाख, ऑल्टीट्यूड राइज बहुत ही फास्ट होता है। मनाली के बाद जिसपा, सरचू, पैंग, फिर ले, बहुत सारा पासेस आएगा। सतलुज नदी एकदम पास में ही बह रहा है, ड्रोन उड़ाने का मन था लेकिन पावर ग्रिड स्टेशन होने के कारण नहीं उड़ा पा रहा हूँ। रोड के बराबर ये पूरा नदी गया है, पावर ग्रिड स्टेशन पास में होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है और ड्रोन उल्टा सीधा फंक्शन करता है। लद्दाख का वीडियो लेने से पहले ही मैं ड्रोन को कुर्बान नहीं करना चाहता हूँ। क्या जबरदस्त व्यू है यार, बहुत दिन बाद पता नहीं क्यों ऐसा देखने से मुझे अपना ट्रेक का याद आता है, एवरेस्ट बेस कैंप। इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत सारा गया है यहाँ से, नो रिस्क। मंडी 45, कुल्लू 115, मनाली 155, बाई और जाना है। कुछ ना कुछ तो धार्मिक अभियान होगा ही। सुंदर नगर, हार्ट ऑफ हिमाचल कहा जाता है। टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ गया है, अभी सीजन भी है। बैठने का जगह तो देखो, ये सब मनाली की तरफ से आ रहा है, कितना रोड ट्रैफिक है सोचिए। दाएं ओर जो नदी बह रहा है वो है ब्यास। सतलुज और ब्यास दोनों ही इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रवि ये सारा भी है। मनाली 110 इस तरफ, मंडी में लंच करके ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, मनाली यहाँ से 110 किलोमीटर और। यहाँ रुका हूँ, ऑर्डर किया हूँ आलू पराठा। अब ये ब्यास नदी पूरा मनाली तक साथ जाएगा, टू व्हीलर पे हूँ इसलिए ये एडवांटेज है, सारे टूरिस्टों का गाड़ी खड़ा है।
एक ब्रेक तो बनता है फॉर मसाला चाय, मेरे हिसाब से एक ब्रेक तो बनता है फॉर लद्दाख राइड। कुछ भी आप करो, स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, स्कूल स्टूडेंट नहीं कॉलेज स्टूडेंट अगर हो तो ट्यूशन वगैरह करो, मेहनत से पैसा जमा करो, पापा मम्मी का जेब काट के नहीं। उसके बाद लद्दाख राइड का मजा ही अलग है, अपने पैसों से। बिजनेस करते हो तो भी कुछ दिन प्रॉफिट के ऊपर मोह माया छोड़ दो, और सर्विस करते हो तो लो छुट्टी, नहीं दे छुट्टी तो जाओ विदाउट पे। लेकिन लाइफ में एक बार लद्दाख राइड जरूर बनता है। पत्थर काट के रास्ता बनने का काम चल रहा है, एक पत्थर अगर ऊपर से नीचे गिरा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे। वैसे आप लोग कभी सोचे है मेरे चैनल का नाम फाइनल डेस्टिनेशन क्यों है? अल्टीमेटली तो वही जाना है ना। पहाड़ में 110 किलोमीटर कम नहीं होता है, 220 किलोमीटर के बराबर होता है। शहरों का ट्रैफिक हार मान जाएगा इसके सामने। लास्ट 2 किलोमीटर स्ट्रेच में ऐसे देख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर से उधर हुआ बस जाएगा जाएगा। हो गया कांड। ये देखो पहिए के नीचे इतना बड़ा पत्थर आया, फिसला, जाके वहां पर टक्कर लगा, टूट गया। बाकी सब तो सही सलामत है आई थिंक। ये एल्बो पे बहुत जोर से लगा था लेकिन गार्ड था इसलिए बच गया। सिचुएशन क्या हुआ, मैं चल रहा था, अचानक एक पत्थर गिर के 4-5 टुकड़ा हो गया और एक बड़ा वाला टुकड़ा मेरे एकदम पहिया के सामने आ गया और वो पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। गाड़ी का कुछ डैमेज हुआ कि नहीं पता नहीं, एक्सेलरेट करने से थोड़ा आवाज आ रहा है। ब्रेक वगैरह तो सही से काम कर रहा है, हॉर्न भी काम कर रहा है। हो गया कांड, पता नहीं मेरे किस्मत में लद्दाख है कि नहीं। अचानक ऐसा इंसिडेंट होने से कुछ देर के लिए दिमाग पूरा एकदम सुन हो जाता है। गिर जाने से तुरंत मेंटल कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, किसी तरह खुद को बैकअप करना है, एक मैकेनिक को तो दिखाना ही होगा जाके। अभी तक 2-3 बार ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ। पहाड़ों में ये जो रास्ता है नदी के हिसाब से मोड़ना पड़ता है, इसीलिए रास्ता कभी पहाड़ के इस तरफ होता है कभी उस तरफ। मेरे बात करने के तरीके में अभी और कोई एनर्जी नहीं है, जाने के टाइम में इतना बड़ा हादसा। मेंटल कॉन्फिडेंस को वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। गाड़ी चलाने का स्पीड और कम कर दिया, मेरे जर्नी में फर्स्ट टनल। इमरजेंसी एग्जिट कुछ ही देर बाद दिया हुआ है और साथ में SOS कॉलिंग फीचर भी है आई थिंक। ऊपर CCTV कैमरा भी होगा। लेफ्ट एल्बो में इम्पैक्ट की वजह से जबरदस्त पेन हो रहा है, ये अगर आते वक्त होता तो उतना फिकर नहीं होता है। पूरा जर्नी बाकी है अभी। अगर आपके पास ब्रेक फ्लूइड होगा क्या? हाँ, ब्रेक नहीं पकड़ रहा है, ब्रेक जाम हो गया है। मैं भी मंडी के आगे गिरा, देखिए इस तरफ टूट गया है। ये वो भी अभी गिरा है। वो कैसे गिरा? ठीक है भाई, आप बता सकते हैं? ऐसे ग्राउलिंग साउंड पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। देखिए ये फिल्टर से आवाज है, फिल्टर गंदा हो गया होगा ज्यादा। गिरने के बाद हुआ है ये? मार्केट में कोई आ गया वो दिखा लीजिएगा। मनाली में इस सुरंग के अंदर खास वैसा लाइट नहीं है, इसलिए सारे जो गाड़ी सामने से आ रहा है वो भी लाइट जला के आ रहा है। मैं भी अपना फॉग लैम्प जला दिया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ फिर से नॉर्मल सिचुएशन में वापस आने। एल्बो गार्ड है, इसको मैं खोल के देखा, अंदर तो कोई इम्पैक्ट खून वगैरह कुछ नहीं है, खरच नहीं है। दर्द बहुत ज्यादा है, मतलब जो इम्पैक्ट से गिरा हूँ। थैंक यू, वेलकम तो कर लिया मुझे, लेकिन मेंटल कंडीशन अभी शॉक में है। अगर
अगर आप खास करके मनाली घूमने आते हो तो मार्च से जून बेस्ट सीजन है। ये ऊपर देखिए लूज पत्थर आके कैसे गिरा है। अब इतना बड़ा पत्थर अगर पहिए के सामने आएगा तो क्या होगा सोचिए। ड्रोन टेक ऑफ करने की कोशिश किया, मैसेज आया ऑथराइजेशन जोन, पास में एयरपोर्ट है, ड्रोन टेक ऑफ करने ही नहीं दिया। क्या बोलो कितना बढ़िया है ये नज़ारा। यहाँ अगर ड्रोन का एक फुटेज लेता, काश यहाँ पर एक घर होता मेरा। इतना दूर से पहाड़ों में बर्फ भी दिख रहा है, पलक झपकते ही सुबह से शाम तक व्यूज कैसे चेंज हो गया। मनाली में अगर आप घुसना चाहोगे अपने गाड़ी या रेंटेड गाड़ी से, जो कि हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं है, तब आपको मनाली में घुसने से पहले ग्रीन टैक्स पे करना होगा। 9 डेज पहले से आप अप्लाई कर सकते हो, तुरंत आपका पेमेंट स्लिप आ जाएगा। प्रिंट आउट लेके आना है, यहाँ पर चेक पोस्ट में दिखाना है, तभी आपको मनाली में घुसने देगा। 2 व्हीलर का रेट है 100 रुपीज, 4 व्हीलर का 200। एक बार अगर आप अप्लाई कर 7 डेज के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप ले साइड से आ रहे हो और आप मनाली घुस रहे हो तो आपको ये ग्रीन टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी का इतना काम कराना बाकी है, इंजन ऑयल तो चेंज करना ही होगा, और ये इम्पैक्ट जो हुआ है इसे नुकसान क्या हुआ है एटलीस्ट इतना तो देखना ही होगा। 2 सेकंड के लिए रुकूंगा जरूर। मुझे तो सामने ये वाला सीन देख के ही मन भर गया। और 10 किलोमीटर मनाली पहुंच जाऊंगा। ठंड लगना स्टार्ट कर दिया है अभी, ये 10 किलोमीटर के लिए फिर से जैकेट पहनना। हनीमून करने के लिए सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, हनीमून रोमांस जो चाहे आप करो, मनाली में आओगे तो थोड़ा स्पेशल हो जाएगा वो। पता नहीं अंदर से इतना कहां से रोमांस आ रहा है मेरा गिरने के बाद भी। अरे मुन्ना मुन्नी बदनाम हुई, अरे तू अकेले कहां है, सर हिला रहा है, अरे इसके पैर में लगा है बेचारा। रुक जा भाई, शेफर्ड डॉग। आप लोग हंसिएगा मत प्लीज, ऐसे ही मेरा मन उदास है, जो भी मन में आ रहा है मैं बोल के खुद को कंफर्टेबल और नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ और कोई है नहीं, सोलो हूँ, खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। चेक पोस्ट आ गया, टैक्स स्लिप निकाल लेता हूँ, सारे स्लिप में लेके आया हूँ इस पैकेट में। आज का डेट का है, ये कहाँ दिखाना होगा सामने। नहीं नहीं आज बहुत हो गया, आज स्ट्रॉबेरी क्या खाएंगे। अच्छा ऑफलाइन भी बुकिंग होता है, देख के ही छोड़ दिया। होटल है। जनरली मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी मैं एक झूठ बोला हूँ। क्या होटल मेरा बुकिंग नहीं है, इसलिए बोला क्योंकि ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएगा। होटल चेक इन से पहले मेरा बहुत कुछ काम बाकी है गाड़ी रिलेटेड। मनाली प्रॉपर सिटी से थोड़ा डिस्टेंस में रहना है, प्रॉपर पार्किंग स्पेस। कांट बिलीव मैं अपना स्कूटर से मनाली पहुंच गया गाड़ी चलाते चलाते। ट्रिप मीटर के हिसाब से 2081 किलोमीटर, ऑयल इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है, हर 2000 किलोमीटर में चेंज करना है। आई होप इधर हो जाएगा, इंजन ऑयल और गियर बॉक्स ऑयल दोनों ही चेंज करना है, हो जाएगा ना। कैस्ट्रोल किसका होगा आपने बताया, पेंजोल, कैसा होगा वो, बढ़िया होता है। कोलकाता इसमें आप 20-40 डाल सकते हो, 10-30 डाल सकते हो, 20-50 डाल सकते हो, 10-50 डाल सकते हो, डाल सकते हैं ना। एरोक्स का पता है आपको, या क्या बात कर रहे हो, मेरा एक काम है। इतना जोर से आवाज आ रहा है, अभी टूटा है ना आपका पूरा असेंबली है ना, गुंगू के आवाज है ना, एक्स्ट्रा आवाज बता रहे हैं आपको करना पड़ेगा कभी कौन सा जगह फटा था, वेल्डिंग करते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। तो कैस्ट्रोल का पाइप जला के, एयर फिल्टर को जला के। पूरा बेंड हो गया है, कितना बड़ा इम्पैक्ट था। कैसा सामने थोड़ा चेक कर लीजिएगा
अच्छा वो कूलेंट के बोतल के सामने ना ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने लगाया है, वो नीचे ऐसा खुल गया था, देखिए तो मैंने सही लगाया कि नहीं। हथौड़ा मार मार के भैया ने एक जगह ऑलमोस्ट पहुंचा दिया, अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कोलकाता वापस जाके इंश्योरेंस क्लेम करके सही करना पड़ेगा। जरूरत के टाइम पे भैया ने कुछ तो हेल्प किया। लद्दाख आएंगे तो मनाली के ऊपर से ही अगर आप ये रूट करेंगे, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना है या कुछ काम है, भैया ने जैसा हेल्प किया आप लोग देख ही चुके हैं। मनाली में घुस के ग्रीन टैक्स का पेमेंट होता है, कुछ ही मीटर बाद आ जाएगा ये लेफ्ट में आएगा। बहुत लड़ाई के बाद अल्टीमेटली भैया ने काम चलाने लायक कुछ कर दिया। सॉरी कितना जल्दी पहुंच गया था, लेकिन ये गाड़ी का सब कुछ करने के चक्कर में कितना देर हो गया। होटल बियर्स वैली है क्या, पार्किंग स्पेस नहीं है, सब ओपन ऑन रोड है। नहीं रेट कितना होगा, सिर्फ अकेले के लिए थोड़ा कम कर दीजिए, 800 कर दीजिए, रिक्वेस्ट है, हो जाएगा ना 800 में। ठीक, होटल न्यू रॉयल बिल्कुल रोड के ऊपर। बाल बाल बच गया, जबकि मेरा कोई गलती नहीं, बस पत्थर थोड़ा सा आगे पीछे और होता मेरे सर पे गिरता तब हो जाता। ये अनसर्टेन चीजें है, लेकिन इस वजह से डर के घर में बैठे रहना ये भी सही नहीं है। सोचिए आज अगर हाथ उठाने में भी दर्द कर रहा है, पता नहीं ऐसे कैसे चलाऊंगा। पहले रूम सर्विस ऑर्डर कर लेता हूँ, बहुत भूख लगा है यार। राइस, सलाद, दम आलू, गुलाब जामुन। फर्स्ट एड सिर्फ ये वॉलोनी है, जब मैं गिरा था उसके बाद से जब आया तब तक पेन था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था। जितना टाइम जा रहा है पेन ज्यादा बढ़ रहा है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, रेस्ट लो 2-3 दिन फिर देखो, उसके बाद भी अगर सही ना हो तो रेस्ट लेना भी बेकार हो जाएगा। जर्नी जो चेन वाइज मैंने प्लान किया है कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। नंबर टू, मैं रिटर्न कर जाऊं, लेकिन उसके लिए भी 4-5 दिन कंटिन्यूअस चलाना होगा गाड़ी। अगर चलाना ही है तो क्यों कोलकाता की तरफ चलाऊंगा, क्यों ना लद्दाख की तरफ ही चलाया जाए। तो हार या जीत कल मैं निकलूंगा लद्दाख की ओर, जो होगा देखा जाएगा। डर तो कम होगा कभी ना कभी, तब तक धीरे धीरे करेंगे आगे बढ़ेंगे। कल प्लान है फर्स्ट टाइम सोलो कैंपिंग का, इतने सीरियस होके बोलने का कोई मतलब नहीं है, दर्द है इसलिए फेशियल रिएक्शन वैसा बन जा रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। राइट हैंड जिंदाबाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।